नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे चित्तागोंग आर्मरी रेड के बारे में, जो कि 1930 में हुई थी। इसके लीडर थे सूर्य सेन। बहुत सारी पिक्चरों में भी इसको डिपिक्ट किया जा चुका है। जैसे एक पिक्चर आई थी जिसमें मनोज वाजपेयी हीरो थे, उन्होंने सूर्य सेन का रोल प्ले किया था। और उसमें और भी जो भी रेवोल्यूशनरीज थे उनका क्या रोल था, इस बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। पूरा चिट्टागोंग आर्मरी रेड में क्या हुआ था, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया था, सूर्य सेन जी के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पिक्चर का सीन है जिसमें दिखाया गया है ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, ये अपने काम को करने के बाद जब हिल्स में आके छुपे हैं तो वहाँ पे खुशी मना रहे हैं। तो ये उस पिक्चर का एक थंबनेल है, तो इसको मैं लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और अगर आप इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसमें आगे देखते हैं। देखिए, चिट्टागोंग आर्मरी रेड थी जिसको चिट्टागोंग अपराइजिंग भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसमें कोशिश इस बात की गई थी कि जो पुलिस की आर्मरी है, जो उनकी बंदूकें हैं, वेपन्स हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं, जूते हैं, तो इस तरह की जो काम की चीज़ें होती हैं पुलिस की, और जो ऑक्सिलरी फोर्सेस थी जो वहाँ पर प्लेस्ड थी चिट्टागोंग में, उनकी आर्मरी को लूटेंगे। और चित्तागोंग बंगाल प्रेसिडेंसी में था, जो आज की डेट में प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है। चिट्टागोंग नाम की जगह पे कई सारे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो इस आर्मरी इस रेड को किया था इंडियन आर्म इंडिपेंडेंस फाइटर्स ने। उनको लीड कौन कर रहे थे, सूर्य सेन कर रहे थे। इनका काम था कि पुलिस की आर्मरी पे और वहाँ की जो चिट्टागोंग की फोर्स है उसकी आर्मरी पे अटैक करके वहाँ से उनकी सारी आर्मरी को लूट लेंगे, उनके वेपन्स को लूट लेंगे, जो हमारे आगे चल के इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हमारे काम आएंगे। इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी में वो कौन थे, गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरिगोपाल बाल तेगरा, फिर अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्त, त्रिपुरा सेन, विदु भूषण भट्टाचार्य, प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय, मनोरंजन भट्टाचार्य। इसमें से बहुत जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे उनके बारे में मैंने एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ बातें आपसे डिस्कस कर रखी हैं। चिट्टागोंग में दो मेन आर्मरीज थी। सूर्य सेन जी का प्लान था कि इन्हीं को कैप्चर करेंगे, उसके बाद टेलीग्राफ और टेलीफोन ऑफिस और रेलवे लाइंस को काट देंगे। ठीक है, टेलीग्राफ और टेलीफोन ऑफिस को आप काट दोगे तो ना ही वो टेलीग्राफ भेज के बता पाएंगे चिट्टागोंग वाले कि क्या हुआ कलकत्ता में, और ना ही वो टेलीफोन कर पाएंगे। और अगर रेलवे लाइंस को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो कलकत्ता और चिट्टागोंग के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, जिससे कलकत्ता से चिट्टागोंग हेल्प जल्दी नहीं आ पाएगी। अगर आप रेलवे लाइन को तोड़ दोगे तो फोर्सेस आएंगी कैसे जब ट्रेन ही नहीं चलेगी। तो ये इनका प्लान था। ये सब करने के बाद इनका प्लान था कि वहाँ पे एक यूरोपियन क्लब था, उस यूरोपियन क्लब में जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे वहाँ पे उनको जाके मारने का प्लान था, उनको असैसिनेट करने का प्लान था, क्योंकि वो लोग थे जो ब्रिटिश एलीट के साथ एसोसिएटेड थे, यही ब्रिटिश राज के लिए उस जगह पे रिस्पॉन्सिबल थे। तो इनको मार के ब्रिटिश सरकार को एक मैसेज भेजने का प्लान था। तो ये पूरा प्लान था। अब देखते हैं कि आगे हुआ क्या। उसके बाद ये भी कहा गया है कि चिट्टागोंग में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ओन्ड बैंक्स हैं, जो ब्रिटिशर्स के जो लॉयलिस्ट हैं, जो ब्रिटिशर्स के कह सकते हो ना कि आप चमचे टाइप के जो लोग हैं, उनके जो बैंक्स हैं उनको भी अटैक किया जाएगा, लूटा जाएगा, क्योंकि उससे जो पैसा आएगा उससे आगे आने वाले रेवोल्यूशन को फाइनेंस किया जाएगा, क्योंकि किसी भी रेवोल्यूशन को लड़ने में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ भी कह लीजिए, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनका 3 टाइम का खाना आना जाना, पैम्फलेट्स, बम बारूद, गोला, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए बैंक लूटना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि लड़के जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर साथी जेल में सड़ रहे हैं उनको छुड़ाएंगे। तो ये जो रोड शुरू हुई रात को 10 बजे शुरू हुई 18 अप्रैल 1930 को, और जो पुलिस आर्मरी थी पुलिस लाइन दमपारा में, उसको कुछ लोगों ने अटैक किया, और उन रेवोल्यूशनरीज को लीड कर रहे थे गणेश घोष। ठीक है, उसके बाद एक सेपरेट 10 लोगों का ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे लोकनाग बाल। उन्होंने ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मरी जो कि ओल्ड सर्किस आउट में था वहाँ पे जाके कब्जा कर लिया। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे ये जो वेपन रखा था उसको लोकेट नहीं कर पाए कहाँ रखा था। इनको बहुत इम्पॉर्टेंट सामान नहीं मिला। वैसे तो इन्होंने आर्मरी पे कब्जा कर लिया था दोनों जगह पे, तो उनको काफ़ी चीज़ें मिल गई, लेकिन जो उनका मेन आर्मरी थी जहाँ मेन वेपन्स रखे हुए थे वो जगह इन्हें नहीं पता चल पाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका ये मिशन थोड़ा सा फेल हुआ। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने ये करने के बाद अपने आप को प्रोक्लेम किया कि वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के एक पार्ट हैं, और ये चिट्टागोंग ब्रांच है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की, और टोटल 65 लोगों ने
इस रेड में हिस्सा लिया। फिर एक क्या हुआ कि 16 मेंबर के ग्रुप ने ये जो यूरोपियन क्लब का हेडक्वार्टर था वहां पे अटैक किया। पर हुआ ये कि उस दिन गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, तो गुड फ्राइडे की छुट्टी होने की वजह से वहां पे बहुत सारे कम लोग थे। इनका प्लान था ना कि सब कुछ करने के बाद यूरोपियन क्लब में जाके ब्रिटिश मेंबर्स और उनके ऑफिशियल्स को एग्जीक्यूट करेंगे, असैसिनेट करेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो गुड फ्राइडे तो बहुत सारे कम लोग थे, जो भी वहां पे लोग थे जब उनको पता चला कि कुछ इस तरीके का अटैक होने वाला है, किस तरीके से उनको पता चल गया कि अटैक होने वाला है, और उन्होंने जो पास में ट्रूप्स थे उनको अलर्ट कर दिया। और जैसे ही ट्रूप्स अलर्ट हो गए तो वो वहां पे यूरोपियन क्लब के मेंबर्स की मदद करने को आ गए। इस चीज के लिए ये 16 लोग तैयार नहीं थे, इसलिए वो बिना इन यूरोपियन मेंबर्स को मारे वापस लौट आए। तो ये जो यूरोपियन लोगों को मारने का जो असैसिनेट करने का जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे जो यूरोपियंस थे यूरोपियन क्लब में उन्होंने ट्रूप्स को अलर्ट कर दिया। जब सारी रेड्स अंत हो गई तो सब सारे रेवोल्यूशनरीज इकट्ठा हुए पुलिस आर्मरी के बाहर, और वहां पे सूर्य सेन ने उन सबको एक मिलिट्री सैल्यूट दिया, अपने नेशनल झंडे को फहराया और बोला कि वी आर द प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इन चिट्टागोंग। अपने आप को प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया, और सूरज उगने से पहले ही उन्होंने चिट्टागोंग टाउन को छोड़ दिया, चिट्टागोंग हिल रेंजेस की तरफ चले गए ताकि उनको एक सेफ जगह मिल पाए छुपने की। जगह बदल बदल के हो रहे थे तो जलालाबाद हिल्स में जाके वो लोग छुप गए। लेकिन हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स के साथ खिलाफ ये सब हो गया था तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिशर्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है, जो पुलिस आर्मरी है जहां सारे हथियार है, वहां अटैक हुआ तो ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो उस वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत विग्रसली परस्यू किया, और फाइनली इनको पता चल गया ब्रिटिशर्स को कि ये लोग जलालाबाद हिल्स में जाके छुपे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने अपनी हैवी फोर्सेस में जलालाबाद हिल को चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें करने में ये लोग बहुत सक्सेसफुल हुए थे। इन लोगों ने टेलीग्राफ लाइंस काट दी थी, रेलवे लाइंस काट दी थी, तो कुछ तबाही मचाने में ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। ठीक है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने काफ़ी हद तक काट दिए थे, इस चीज़ में ये लोग सक्सेसफुल हुए थे। तो ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम तो लग गया था। तो जब जलालाबाद हिल्स में ये पूरी सारे रेवोल्यूशनरी छुपे हुए थे, जब चारों तरफ से ब्रिटिश फोर्सेस ने इनको घेर लिया तो काफ़ी गन फायर हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई, लेकिन जलालाबाद हिल्स में जो रेवोल्यूशनरीज थे वो थोड़ा हाइट पे थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो नीचे की तरफ से आ रहे थे, तो ये जो ऊपर जो रेवोल्यूशनरीज थे वो थोड़ा एडवांटेज पे थे, इसलिए 12 रेवोल्यूशनरीज की मृत्यु हुई इस गन फायर में। लगभग 80 ब्रिटिश ट्रूप्स खत्म हो गए। लेकिन जब सूर्य सेन को रियलाइज हुआ कि जो ब्रिटिशर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे रेवोल्यूशनरीज को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया और उनसे बोला कि आप नेबरिंग विलेजेस में छुप के भाग जाओ। और काफ़ी सारे लोग वहाँ भागने में सक्सेसफुल भी हो गए, बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हो गए। ठीक है ना, उसके बाद जो लोग भाग भी गए उसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन शुरू हुआ है। क्रैकडाउन में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर हुआ ये कि जो लोग भाग गए थे उन्होंने अपने आप को काफ़ी रीऑर्गेनाइज किया, फिर से स्ट्रेंथ जुटाई, क्योंकि उस समय पे इन लोगों का मेंटल लेवल, मेंटल ताकत बहुत ज़्यादा होती है। आज तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, सुई लग जाती है किसी को हाथ में तो रोने लगता है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया आपने, इतना दुख दिया मुझे। ठीक है, और यहाँ पे इतना कुछ होने के बाद भी इन रेवोल्यूशनरीज ने अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, और 24 सितंबर 1932 को देवी प्रसाद गुप्त, मनोरंजन सेन, रजत सेन, स्वदेश रॉय, फणीन्द्र नंदी, सुबोध चौधरी और इनको लीड कर रही थी प्रीति रजा वादेदार, इन्होंने यूरोपियन क्लब को अटैक किया। क्या काम था कि ब्रिटिश मेंबर्स को असैसिनेट करना है और एक वुमेन को मारने में ये लोग सक्सेसफुल हुए। लेकिन वहाँ पे प्रीति रजा वादेदार को सुसाइड कमिट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक मैन की ड्रेस में थी, उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, पकड़ लिया था, तो वो साइनाइड खा के उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज एसोसिएटेड थे इस चित्तागोंग आर्मरी रेड के साथ, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और इनके साथ साथ आपको पता भी चलेगा कि एंड में किस तरीके से चित्तागोंग आर्मरी रेड का एंड कैसे हुआ। एंड बस क्रैकडाउन से हुआ पूरा, इनके ऊपर मतलब चारों तरफ से इनको दबाया गया, क्रैकडाउन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ, बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, बहुत सारे लोगों को एंड में फांसी दी जाएगी। तो एक तारकेश्वर दस्तीदार थे, तो पहली बार जब सूर्य सेन पकड़ लिए गए थे, अरेस्ट हो गए थे, पहले वो भागने में जलालाबाद हिल से तो वो भाग गए थे, लेकिन बाद में एक टिप ऑफ में उनको पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो जब उसको पकड़ लिया गया था तो उनके बाद ये जो चित्तागोंग ब्रांच जुगांतर पार्टी के जो नए प्रेसिडेंट बने ना, उन्होंने फिर से कोशिश की कि सूर्य सेन को चित्तागोंग जेल से छुड़ाया जाए, लेकिन वो छुड़ाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। और बाद में
थोड़े दिन बाद ये तारकेश्वर दस्तीदार भी अरेस्ट हो गए और इनको मास्टर दा के साथ ही फांसी पे लटका दिया गया। पर इन्होंने कोशिश की थी चिट्टागोंग जेल से सूर्यसेन को छुड़ाने के लिए। फिर ये जो प्रीति लदा वादेदार थी, इनके बारे में भी आपको बताया कि जो दूसरा अटैक हुआ था यूरोपियन क्लब पे 1932 में, 12 रेवोल्यूशनरीज की टीम को ये लीड कर रही थी, उसका नाम था पहाड़ तली यूरोपियन क्लब। उस क्लब के बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उस समय ये सब बहुत कुछ होता था कि भाई डॉग्स और इंडियंस को आपस में कंपेयर कर देते थे। और ये सारी टीम मेंबर्स को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप अपने साथ साइनाइड लेके जाएंगे और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप तुरंत वहाँ पर सुसाइड कमिट कर लेंगे। वो रेड सक्सेसफुल हुई, लेकिन प्रीति लदा वादेदार जो कि एक मैन की ड्रेस में थी जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको लोगों ने पहचान लिया, पकड़ लिया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया ऑन द स्पॉट। फिर गणेश घोष जी थे, इन्होंने भी चित्तागांव आर्मरी रेड में पार्टिसिपेट किया। ट्रायल हुआ इनके पकड़ने के बाद, ट्रायल में इनको सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में सजा काटने भेज दिया गया। जब कभी भी आप, मैं गया था, जब सेलुलर जेल जाएंगे पोर्ट ब्लेयर में तो वहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ के प्रिजनर्स है सबका नाम लिखा हुआ है, उसमें आपको गणेश घोष जी का भी नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप नॉलेज रिफाइन कर रहे हैं और कभी मौका मिले तो जाके देखिएगा वहाँ पे, जो पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मैं 2 बार जा चुका हूँ अंडमान और दोनों बार मैंने सेलुलर जेल देखी थी, और वो कभी मत मिस करना अगर आप अंडमान जा रहे हो, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वहाँ का। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब गणेश घोष जी को छोड़ दिया गया तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। फिर लोकनाथ बाल जी के बारे में देखते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चेप थे, बहुत ही वेल वर्स थे इंग्लिश में, बहुत ही इनके अंदर मैनरिज्म थी, बहुत ही इंग्लिश मैन टाइप के थे ये, तो इनको कभी कभी समझा जाता था कि ये इंग्लिश में नहीं है, इंडियन नहीं है। और उसका फ़ायदा उठाया उस दिन उन्होंने 18 अप्रैल की रात को, और इनके सोफिस्टिकेटेडनेस की वजह से, इंग्लिशनेस की वजह से ही ब्रिटिश ऑफिसर बन के ये ब्रिटिश कंटोनमेंट में घुसे और अपने साथियों को भी इन्होंने घुसवाया उसमें, तो इनका ये रोल था। फिर एक अनंत सिंह थे, ये भी चिट्टागोंग आर्मरी की लूट में और उससे पहले बहुत सारी लूटों में ये सूर्यसेन जी के साथ रहे थे। जब ये स्कूल में थे तब सूर्यसेन एक्चुअली में एक टीचर थे, तो जब टीचर में ये इनके स्टूडेंट हुआ करते थे अनंत सिंह, तो अनंत सिंह के करेज को देख के, इनके दिमाग को देख के, डिवोशन को देख के अपने देश के लिए सूर्यसेन जी ने इनको रिक्रूट किया था अपने साथ। फिर कल्पना दत्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको प्रीति लता वादेदार जी के साथ असाइन किया गया था यूरोपियन क्लब पे जब अटैक हुआ था, पहाड़ तली यूरोपियन क्लब मैंने आपको बताया चित्तागोंग में। और जब प्लानिंग हो रही थी तो प्लानिंग से एक वीक पहले जो उस जगह का मुआयना कर रहे थे ना, तब इस समय पे इनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर बाद में इनको बेल पे छोड़ दिया गया और उसके बाद ये गायब हो गई। फिर 17 फरवरी 1933 को जब फिर से सूर्य सेन को अरेस्ट किया गया ना, तो वहाँ पे इनके साथ कल्पना दत्त भी थी, पर किसी तरह से कल्पना दत्त भागने में सक्सेसफुल हो गई, इसको भी हम देखेंगे। फिर अंबिका चक्रवर्ती, ये मोस्ट सीनियर और एक्सपीरियंस थे पूरे ग्रुप में, इनका काम था फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट को संभालना। फिर एक निर्मल सेन थे, ये मास्टर दास सूर्य सेन के साथी थे और सारी रेड्स में ये एक्टिवली इन्वॉल्व हुए थे। अब सूर्य सेन जी के बारे में देखते हैं, देखिए टीचर थे ये प्रोफेशन पे और इनको फेमसली मास्टर दा कहा जाता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा करेजियस थे, बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन नेशनलिस्ट थे, अपने देश की आज़ादी के सपोर्टर थे, और वो आप देख ही सकते हैं। नेशनलिस्ट आइडल से 1916 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे जब ये बीए पढ़ रहे थे बहरामपुर कॉलेज में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की चिट्टागोंग ब्रांच का 1918 में इनको प्रेसिडेंट चुना गया था, और 1923 तक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा चिट्टागोंग में फैलाया। अच्छा, ये जो थे सूर्य सेन जी, ये पढ़े लिखे इंसान थे, इनको पता था कि ब्रिटिशर्स के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और इंडियंस के पास रिसोर्सेज उतने ही कम हैं, तो जो इंडियंस के पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं फ्रीडम फाइटर्स के पास, उससे एक फेस टू फेस बैटल में तो हम ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि सीक्रेट गोरिल्ला वारफेयर करना पड़ेगा इस इंपीरियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, तभी हम कॉलोनियलिज्म से जीत पाएंगे। गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि एकदम से आप झाड़ियों में छुपे रहो, एकदम से बाहर निकलो, मारो, फिर से छुप जाओ, ये होता है गोरिल्ला वॉरफेयर। तो इस चीज को करना पड़ेगा तभी आप ब्रिटिशर्स को हरा सकते हो, ऐसा मानना था सूर्य सेन जी का। 1923 में भी इन्होंने एक रॉबरी करी थी, दिसंबर 23 को एक ट्रेजरी ऑफिस था आसाम बंगाल रेलवे का, उसको लूटा था इन्होंने। फिर सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया 16 फरवरी 1933 में गायराला विलेज से, जब ये एक इनके साथी नेत्र सेन के यहाँ छुपा हुए थे। कहा जाता है कि नेत्र सेन को सूर्य सेन जी से जलन थी, या जो भी कह लीजिए पैसे के लालच में उन्होंने किया, या
वो उनकी जगह लेना चाहते थे। अब ये तो किसी को भी नहीं पता किस लिए किया, लेकिन हाँ गैराला विलेज में नेत्र सेन जी के घर पे छुपे हुए तो सूर सेन जी 16 फरवरी 1933 को, और नेत्र सेन ने ही ब्रिटिशर्स को बता दिया कि हमारे यहाँ पे ये सूर्य सेन छुपे हुए हैं, और फिर रेड पड़ी और शेर सेन जी अरेस्ट कर लिए गए। अगर ये नेत्र सेन धोखाधड़ी नहीं करता तो सूर्य सेन जी अरेस्ट नहीं होते, लेकिन ये नेत्र सेन भी बच नहीं पाया। सूर्य सेन जी के सपोर्टर्स ने बाद में नेत्र सेन को मार दिया, लेकिन सूर्य सेन जी पकड़ गए अनफॉर्चुनेटली, और उनका बहुत ब्रूटल टॉर्चर हुआ, और उनके साथ जेल में उनके दोस्त तारकेश्वर दस्तीदार भी थे, तो उनको हैंग किया गया 12 जनवरी 1934 को, पर दोनों को उससे पहले बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया अंग्रेजी सरकार ने, ठीक है। लेकिन फिर भी भले ही वो ख़त्म हो गए, लेकिन उनका नाम आज भी हिस्ट्री में अमर है, और शायद जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, इनका नाम हमेशा रहेगा, हम जैसे लोग हमेशा इनको पढ़ते रहेंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही काम है ताकि इनको याद किया जाए। तो ये था फ्रेंड्स आपका चिट्टागोंग आर्मरी रेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए क्या प्रॉब्लम है। जितना हो सके फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे इन वीडियोस को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, गुड बाय।